क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के पहले और ऐतिहासिक टेस्ट मैच को रिकॉर्ड अंतर से जीत लिया। भारत ने एक पारी और 262 रन से यह टेस्ट मैच जीता और टेस्ट मैच के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत हासिल की। मगर एक ही टेस्ट की सीरीज को जीतने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पहले तो अपने अंदाज से लोगों का दिल जीता और फिर उसके बाद जो कहा वो बहुत बड़ी बात थी। टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे को जब जीत के बाद ट्रॉफी मिली तो रहाणे ट्रॉफी लेकर पहुंचे और फिर फोटो सेशन शुरू हुआ। मगर इसके बाद रहाणे ने जो किया उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। रहाणे ने अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ियों को भी बुला लिया। जी हाँ, भले ही अफगानिस्तान टेस्ट मैच हार गई मगर रहाणे ने उन्हें भी जीत में शामिल किया और एक साथ बैठकर फोटो खिंचवाई। रहाणे तो खुद अफगान खिलाड़ियों के बीच ही जाकर बैठ गए जबकि अफगान कप्तान भारतीय खिलाड़ियों के साथ खड़े हो गए। ये पल बेहद शानदार था। मगर इससे भी शानदार वो था जो रहाणे ने इसके बाद कहा। स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम क्रिकेट लाइव में इसके बाद जब रहाणे से पूछा गया कि आपने क्या सोचकर अफगान खिलाड़ियों को वहां बुलाया तो रहाणे ने तपाक से जवाब दिया, ये खेल भावना है और हम लंबे समय तक महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेले हैं और धोनी ने हमें यही सिखाया है। तो एक तरह से भले ही धोनी इस टेस्ट मैच को नहीं खेल रहे थे मगर उनकी खेल भावना ने यहां भी उनकी एंट्री करा दी। वैसे आपको बता दें कि रहाणे विराट की कप्तानी से ज्यादा धोनी की कप्तानी को पसंद करते रहे हैं और पहले भी कई बार रहाणे धोनी की तारीफ कर चुके हैं। मगर इस बार रहाणे ने जो किया वो तो बस शानदार था। रहाणे ने ऐसा करके खुद को महान कप्तानों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।